दोस्तों अभी हमारे साथ पार्वती कुमारी, मैं इनके बारे में बताऊंगा कि पार्वती कुमारी सोशल मीडिया में आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है। और उससे पहले मैं बता दूं कि ये दीपक दीवाना है, जो सोशल मीडिया में भी इनको देखते हैं दीपक दीवाना के नाम से, कि यह भी रील बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो बनाते हैं और कभी कभी आपको भक्ति सॉन्ग देखने के लिए मिलता है। चलिए इससे पहले कि मैं उसको बात करूं, अपने बारे में बता दूं, मैं सरवन कुमार, सीमांचल टीवी के फाउंडर, और मेरा सलाम नमस्कार आपको। और मैं पार्वती कुमारी से पहले बात करूंगा, उसके बाद फिर दीपक दीवाना जी से बात करूंगा। आप अपना नाम बता दीजिए। पार्वती कुमारी, और मेरा चैनल का नाम है पार्वती। पार्वती कुमारी नाम है। आप कौन सा गाँव से बिलोंग करते हैं? पुरंदर। अच्छा, ये कौन सा जिला है? किशनगंज जिला में। आप करते क्या है? यही घर का काम, और यही अभी मैं यही करती हूँ कि मुझे सोशल मीडिया पर काम करना है, और मैं अभी सोशल मीडिया पर काम कर रही हूँ। सोशल मीडिया में अभी काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में काम करना। अच्छा, बात के सिलसिले में मैं आपसे कुछ सवाले करना चाहूँगा, और आपके निजी जीवन में भी जाना चाहूँगा, और आपका जो सोशल मीडिया में जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी आपसे मैं बात करूँगा। बात करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आप जो सोशल मीडिया में काम कर रही है, घर के तरफ से कोई परेशानी नहीं? घर के तरफ से कोई परेशानी, सब कोई मेरे सपोर्ट में। हाँ, और आजकल देखते हैं ना कि सोशल मीडिया में कोई भी लड़की आती है, रील बनाती है, डांस करती है, तो घर वाले के तरफ से रोक लगा दिया जाता है कि आप ये चीज़ को नहीं कर सकते। हाँ, इस तरह का कई आरोप, इस तरह का कोई कभी मेरे घर वाले समाज में तो मिलता है? हाँ, समाज में तो समाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समाज बोले मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे घर वाले ना बोले। जी। आपका जो है जो रील बनाते हैं? हाँ। और क्या क्या बनाते हैं? रील बनाती हूँ, ब्लॉगिंग बनाती हूँ। और कहाँ कहाँ, किस किस जगह? कई जगह ने, मतलब कहीं गाँव से, कहीं बाहर गए थे, गाँव के बारे में कुछ बता दिए, और खेत गए थे, खेत के बारे में कुछ बता दिए, कहीं मेला वगैरह हो गया तो वहाँ गए तो वहाँ बता दिए। अच्छा, ये आपका कुछ आईडी भी होगा आपका, कई जो है सोशल मीडिया में आईडी, जैसे फेसबुक? हाँ, फेसबुक में है। हाँ, और इंस्टा में भी है, और यूट्यूब में भी। यूट्यूब में? हाँ, मतलब मेरा तीनों आईडी का नाम पार्वती कुंडा से चलता है। अच्छा, उससे चलता है। अच्छा, आपका मकसद क्या है सोशल मीडिया से आने से पहले, या फिर सोशल मीडिया में जो आए हैं, तो आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद यही कि मैं अब सोशल मीडिया पर आई हूँ तो कदम रखी हूँ, तो मुझे कुछ बनना है। बनना? हाँ। क्या लगता है कि मंजिल को हम लोग छू पाएंगे? मंजिल को छू नहीं पाएंगे, पर हाथ कदम जरूर चलेंगे, क्या पता मंजिल मिले ना मिले। बोलते हैं ना कि सीढ़ी बहुत है, लेकिन कदम कदम चलोगे तो सीढ़ी पास आ। अच्छा, यहाँ से हमको एक डायलॉग याद आ गया, एक शायर है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। चले दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि इसकी हिम्मत को दाग देना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में कोई भी लड़की अगर वीडियो बनाती है, ब्लॉगिंग करती है, रील बनाती है, तो तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लग जाती है कि आप ये नहीं कीजिए, समाज में एक गंदा मैसेज फैलेगा, और माँ बाप को टॉर्चर भी हो जाता है कि आपकी बेटी जो है रील बनाती है, नाच रही है, वीडियो बनाती है, यानी तरह तरह के ताना सुनने के लिए मिलता है। जब यही ताने कुछ दिन बाद ऐसा आ जाता है, ऐसा भूकंप आ जाता है, ऐसा जो है स्वागत आ जाता है, ऐसा स्वागत लोग करने के लिए आ जाते हैं कि फूलों का हार लेके आ जाते हैं, ये कभी कभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है। आपके परिवार में? तो मेरे परिवार में तो अभी दीदी और जीजाजी, मेरे पेरेंट्स नहीं है। और अभी मेरे पेरेंट्स के रूप में मेरे दीदी जीजाजी। क्या वो लोग सपोर्ट करते हैं? हाँ, फुल सपोर्ट है। अच्छा, आपको देखकर हमको एक चीज याद आ गया, शिवानी कुमारी का नाम सुने थे? अच्छा, हाँ। सुने थे? हाँ। इनके साथ भी वही कहानी हो गया था, जब वो रील बनाती थी, ब्लॉगिंग करती थी, वीडियो बनाती थी, तो उनके जो माँ उनको रोकती थी, लेकिन उनके जीजाजी और सिस्टर यानी बहन उनको सपोर्ट करती थी, बहुत सपोर्ट, उनको मोबाइल भी खरीद के दी थी, यानी वो अपने जीवन के बारे में भी कई सोशल मीडिया में भी बताए हैं, बिग बॉस में भी गई थी, वहाँ पे भी बताए थे कि हमारे जो जीजू है, हमारे जो बहन है, वो हमको बहुत सपोर्ट किया। क्या बहन के तरफ से सपोर्ट? बहुत सपोर्ट होता है। चलिए, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, पहले भी बताया कि आपके निजी जीवन में भी कुछ सवाल जवाबें रहेगी,
अब तक लगभग कितने वीडियो बना चुके हैं आप? लगभग मेरे यूट्यूब में है करीब 800। हाँ, और इंस्टा में? इंस्टा पे 500, 550। और फेसबुक? फेसबुक पे अभी मतलब होगा 400 का। 400 तो कहीं कुछ से कुछ इनकम? अभी अभी तो नहीं आ रहा है। देखिए आप खुल के बोलिए, अगर नहीं आता है तो हम लोग हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे। नहीं अभी नहीं आता है, गेमिंग जी 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 अभी नहीं है, लेकिन गांव में अफवाह फैल चुका है कि मिल चुका है इसको, लेकिन अभी नहीं आया है। अच्छा, उम्मीद है कि मिल जाएंगे? उम्मीद है, मैं कोशिश करूंगी कि मुझे कुछ मिले, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। करना है, चलिए बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया एक ऐसा है, ऐसा हथियार है, ऐसा जगह है, जो एक बार अगर सोशल मीडिया का लत लग जाए या सोशल मीडिया में कोई आ जाए या फेमस हो जाए तो रातों रात वो करोड़पति हरबपति ये सब बन सकता है। हाँ। और बन भी रहा है। हाँ। लोग यूट्यूब में आके रील बना के 15 लाख का, 12 लाख का, करोड़ों का जो है गाड़ी खरीदे हैं, बंगला बनाए हैं, ये सारा चीज देखते हैं। और अच्छा एक बात बताइए, जब आपको अगर कहीं दूर जाना पड़ता है तो कैसे जाते हैं आप? कैसे से, कभी कभी दीदी चली जाती है, मैं दूर ज़्यादा जाती हूँ तो, कहीं के लिए स्कूल वगैरह जाती हूँ तो मैं खुद से जाती हूँ ऑटो से, और आती हूँ तो ऑटो से किसी को उठाने लिए, क्योंकि मुझ में हिम्मत है कि मैं कहीं जाऊँगी तो अकेले चले जाऊँगी, लेकिन अभी मुझे दीदी लोग कहीं जाने नहीं देता है, नहीं जाने देता। अच्छा चलिए बात के सिलसिले में, अगर आपको कहीं से अगर मांग किया जाए, किसी जो है कंपनी से मांग किया जाए, कहीं जो है फिल्मिस्तान से कोई जो है मांग किया जाए, जैसे भोजपुरी स्टार है, वो अगर मांग कर ले कि नहीं हमारे साथ जो है एल्बम में आ जाइए या फिर हमारी फिल्म में आ जाइए, तो क्या आप जाना चाहेंगे? हाँ मैं जरूर जाऊंगी। जैसे बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो सोशल वर्कर हैं, सोशल मीडिया में जो रील बनाती है, एल्बम बनाती है, वीडियो बनाती है, तो उनको जो पवन सिंह है, खेसारी लाल है, और भी सारे बहुत सारे एक्टर हैं जो उनको जो है अपने फिल्म में जो काम करने के लिए मौका देता है। इस मौके में अगर वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए तो क्या आप जाने के लिए तैयार? हाँ इतना तो है, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बनूँ। हाँ, हाँ। मकसद है। अच्छा चलिए, मैं बार बार जो है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल ही देता हूँ कि जो है कुछ आपके जो है उम्र भी हो रहे हैं, शादी ब्याह का कोई प्रपोजल कहीं से आया? नहीं आया कहीं कोई? शादी ब्याह के तो बारे में तो बहुत सारी बात हुआ है, लेकिन मेरे फैमिली वाले और मैं अभी शादी के लिए नहीं। चलिए आपका कोई कुछ, जैसे आजकल सोशल मीडिया में देखते हैं या फिर आज जगह जगह में जाते हैं देखते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हम लोग का एक सवाल हो जाता है, कोई कोई जो है बॉयफ्रेंड कुछ? हाँ नहीं अभी नहीं। नहीं, चलिए दोस्तों ये पार्वती कुमारी है, ये इनसे हम लगातार सवालें कर रहे हैं लेकिन ये अपना जवाब दे रहे हैं। इनका भी मकसद है कि कहीं से अगर हमको बुलावा आ जाए या फिर कोई कंपनी वाले बहुत सारे ऐसे जो है लोगों को मौका देते हैं, बहुत ऐसे फिल्म स्टार मौका देते हैं कि जो रील बनाती है, जो एक्टिंग करती है, उनका अगर पसंद आ जाए या फिर वहाँ से जो आते हैं तो उनको मौका दिया जाता है, लेकिन ये अभी अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही ब्लॉगिंग करते हैं, रील बनाती है, कहीं कोई जो है एल्बम बना लेती है, ये सारी चीज़ में ये अभी एक्टिव है और ट्रेंडिंग में चल रही है। अच्छा एक बात बताइए कि आपको किस तरह की सपोर्ट चाहिए? बस इतना सपोर्ट चाहिए कि गांव वाले, समाज वाले और मेरे घर वाले जी जी ताना ना मारे, बस इतना ही। ताना ना मारे? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए हमारे एक ग्रुप है, अगर कहीं आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप जो है आपको सपोर्ट भी कर सकती है, जैसे हमारे सीमांचल टीवी है जो वो भी आपको सपोर्ट करेगी, अगर आप मन तन धन लगा के अगर मेहनत करेगी या काम करेगी। मेहनत करूँगी। किया जाएगा, कीजिएगा। हाँ, अच्छा कुछ हमारे दोस्तों को या फिर अपने दोस्तों को कुछ संदेश दे दीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं भी एक छोटी सी बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरे मम्मी पापा तो नहीं है, पर इतना कहूँगी कि मेरे दीदी जी भी है जो कि बोलिए बोलिए मम्मी पापा से बढ़कर है, कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मुझे मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बढ़ूँ कुछ करूँ, बस इतना ही, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, यही कहना चाहूँगी बस। अच्छा आपके जो है कुछ स्कूल वगैरह गई है? हाँ। कितने क्लास तक? अभी मतलब मैं 12th पास कर चुकी हूँ। 12th पास, तो कहीं एडमिशन लिए हैं? नहीं अभी तो कहीं नहीं ली हूँ बस। हाँ। लेकिन लेंगे इस साल लेना। चलिए दोस्तों ये बोलते बोलते भावुक हो गई और रो दी, क्योंकि होता है सबके साथ ऐसा होता, मैं भी एक ऐसा समय था जो लोगों के पास आते थे वीडियो बनाने के लिए आते थे या फिर कहीं जाना होता था तो पॉकेट में पैसा नहीं होता था, ऑटो में जाते थे, किसी के बाइक में चल जाते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि पैदल भी जाना पड़ता था, ये जीवन सबको बिताना पड़ता है, अगर आप कुछ बड़ा कीजिएगा तो ये सब संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा और झेलना ही पड़ेगा, और हम लोग का
सपोर्ट रहेगा आपको, बहुत जल्दी आप जो है अपने कामयाबी को हासिल कर सकते हैं और हम लोग उम्मीद में रहेंगे। चलिए थोड़ा दीपक दीवाना जी हैं, अपना थोड़ा सा परिचय दे देंगे आप। मेरा नाम है दीपक दीवाना जी, मेरा घर है पुरंदा, कितने जिला से बिलोंग करते हैं। आप भी जो है सोशल मीडिया में अभी एक्टिव हैं? हाँ, हम भी सोशल मीडिया में देखे कि बहुत सारे लड़की लड़कियाँ बनाती हैं वीडियो, तो हम भी सोचे कि घर के काम के साथ साथ घर में बैठे रहते थे तो टाइम पास करके घर में रह करके क्या फायदा, सोचे कि थोड़ा सा सर थोड़ा जल्दी शाम हो, थोड़ा सा सोचे कि हम भी कुछ घर में बैठ के रहते हैं, थोड़ा इधर उधर घूमते फिरते ही बहुत है, तो सोचे कि उसके साथ साथ वीडियो भी बनाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, देखा गया था कि सावन महीना के लगभग में जो है आपका एक एल्बम आया था जो भक्ति सॉन्ग भी आप थोड़ा सा गाए थे। नहीं गाए तो हम नहीं था, लेकिन सॉन्ग को बनवाने के लिए कोई मेरा अपने ही भाई है जो वो दिल्ली में रह करके सॉन्ग गाता है, तो उसको हम बोले थे कि अंधासुर बैसाघात के बारे में कुछ एक एल्बम हम लोग को रेडी करना है। अच्छा, आप ये सोशल मीडिया में कब से आ रहे हैं, कब से हैं सोशल मीडिया में? ऐसे तो इंस्टा आईडी तो पहले से बहुत पहले से खुला हुआ है, लेकिन काम हम 4 महीना से कंटिन्यू कर रहे हैं सोशल मीडिया में, नहीं तो पहले मन होता था तो डालते थे वीडियो, नहीं तो नहीं। क्या अब रेगुलर डालना है ना? आप सोचे कि कुछ करना है, रेगुलर डालते हैं। और अच्छा, एक फील ऐसा होता है, दोनों से सवाल है मेरा, कि जब किसी यूट्यूबर को आप देखते हैं या फिर सोशल वर्कर को देखते हैं, जब सामने से चार चक्का लेके जाता है वीडियो बनाने के लिए, तो कैसा उस समय फील होता है? उससे तो गर्व होता है कि मेरा मेहनत का फल मुझे मिला है, और उससे मतलब ये होता है कि हाँ मैं कुछ करी हूँ तो मुझे गर्व होता है। हाँ, ये लगता है कि ये होता है कि आज वो ये काम करके यहाँ तक पहुँचा है, शायद अगर हम भी करते रहेंगे, अगर बाय चांसेस अगर हम लोग का भी वीडियो अगर वायरल हो गया तो हम लोग भी आ सकते हैं। ये मान्यता नहीं है कि हर वीडियो वायरल हो, जिस प्रकार से प्रिया स्वामी उसका एक रील वायरल हुआ है जो कि खेसारी लाल जी के घर सॉन्ग में, बहुत सारे ऐसे रंजीता रानी हैं वो भी एक रील से ही वायरल हुआ है। ये मायने नहीं रखता है कि हर वीडियो हर रील वायरल हो, मायने ये रखता है कि आप बनाते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, भगवान ना करे कि ऐसा हो, अगर हो जाए तो अगर एक भी वीडियो अगर वायरल हो जाते तो आप अच्छे से सोशल मीडिया में वायरल हो सकते हैं और बड़े बड़े सिंगर के साथ आप एल्बम में काम कर सकते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर सब हैं, बाकी फ्रेंड भी हैं, हम लोग जाके मिल भी चुके हैं, बाकी बड़े बड़े स्टार के साथ में एल्बम में काम भी करते हैं। चलिए, आप लोग को हिम्मत नहीं हारना है और हमारी टीम और हम लोग आप लोग के साथ में हैं, और जहाँ तक हम लोग को सपोर्ट करने की ज़रूरत होगी, जहाँ तक सपोर्ट करना होगा वहाँ तक हम लोग सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों, मैं जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि ये पार्वती कुमारी और ये दीपक दीवाना जी थे हमारे साथ, और ये अपने जीवन काल के भी बारे में बताए हैं और कहाँ कहाँ क्या कैसे कैसे वीडियो बनाया जाता है वो सारी चीज़ बनाए हैं, और आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं, आगे में आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं जो इनका वीडियो जो है वहाँ पे चल रहा है और देख भी रहे हैं जगह जगह में, जो यही लोग हैं, यही पार्वती कुमारी है जो आप स्क्रीन में अभी देख रहे हैं, और वीडियो जो आप देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, इजनी का जो है ये रील है। और चलिए, फिर अगला वीडियो फिर से देखने का प्रयास करेंगे, और मैं उम्मीद करूँगा कि जब ये लोग शूटिंग में जाए शूट करें तो वहाँ मैं एक ग्राउंड रिपोर्ट इन लोग का लूँगा कि कैसे कैसे ये लोग वीडियो बनाते हैं और कैसे कैसे इन लोग को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, यहीं से हम विदा लेते हैं, जाते जाते श्रवण कुमार जय। आज रुके।